प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत के बिंजौल गांव में 3 मासूमों की हत्या के मामले में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने नेशनल हाईवे और लघु सचिवालय पर जाम लगा दिया। लोग आए तो यहां पर न्याय की मांग करने थे, लेकिन उन्हें लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सामना करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। पानीपत के बिंजौल गांव में बच्चों की हत्या का वो मामला तो याद ही होगा आपको, जिसमें एक गेंद के पीछे 3 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले के 22 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण भड़क गए। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीण गुस्से में आ गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने लघु सचिवालय के सामने जाम लगा दिया। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर आए और लघु सचिवालय के सामने सड़क पर प्रदर्शन करने लगे, वहाँ जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम ही रहा। आज फिर मैं सहयोग मांगता हूँ मीडिया का कि जो सरकार ये कहती है हम सबके साथ हैं, वो सरकार जिसमें आईजी से बात हो चुकी है, सीएम खट्टर साहब से बात हो चुकी है, वो जिसमें पर्चे कट चुके हैं, FIR हो चुकी है, सब काम हो चुके हैं, लेकिन दोषी आज भी खुले घूम रहे हैं। मजबूरी में हमें यह कार्य करना पड़ रहा है ताकि बहरी सरकार के कान खुल जाएं। अभी भी पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेर के खड़ा है। मतलब अब इसका मतलब क्या है कि इन गरीबों को मारा जाएगा, इन गरीबों को पीटा जाएगा, बच्चे भी मर गए, लठ भी खाओ, अभी वाटर कैनन भी आ चुकी हैं। हम समझते हैं सारी कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं आगे वाले और स्टेप क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे मर गए, यहाँ भी मर जाएंगे 20-30 लोग और, कोई बात नहीं, आज भगा सकते हैं, पूरा हरियाणा फिर आएगा आएगा, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा ये काम चलते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। निचले के राजा रहा गाँव बिंजौल में 3 बच्चों की हत्या कर दी खेत मालिक ने और उसकी माँ ने, माँ बेटे ने उसकी हत्या करवा दी गांव बिंजौल में, और डाई हाउस में जो डाई हाउस का मालिक है वो बढ़िया है, उन्होंने मतलब बच्चे मार का और गेंदर डाल दिए, लेकिन तलाशी नहीं लेने दी, 3 बच्चों की हत्या कर दी, 3 मतलब फरार हो गए डर के मारे, 6 बच्चे थे, 1 बच्चे ने सारा भेद पाया है, सचिन नाम के बच्चे ने, मतलब उसने सारा भेद बताया, अकेर ऐसे ऐसे करके इन्हीं ने ना मारे, और SP और DSP उधम तो DSP हाँ, और वही मैं इनको गिरफ्तार करूँगा, आज कहाँ गए उसकी कसम, आज उसके बच्चे आज क्यों नहीं मरे DSP के, हम तो ये कहें भैया तो मरो बदला दो हाँ, या तो हम बदला लेंगे या उनको गिरफ्तार करो। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। इस भगदड़ में ग्रामीणों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम ने GT रोड को वहां से खाली करवा दिया और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि FSL की रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन टीम हमने इसमें बना रखी है, फिर भी पता नहीं इन लोगों को कौन जो है ना भटका रहा है, ये बार बार प्रदर्शन करने पे आमदा हो जाते हैं, तो आज भी इन्होंने रोड ब्लॉक किया था, तो जितने बल की आवश्यकता थी रोड क्लियर करने के लिए हमने बल का प्रयोग किया है, और क्योंकि आम जनता को ये मुख्य सड़क है GT रोड है, तो बहुत सारी अदर स्टेट्स के लोग आते जाते हैं, तो सबको असुविधा हो रही थी, इसलिए आवश्यक था उनको यहाँ से उठाना, और लोग रोड जाम करने का प्रयास कर रहे थे, तो जो कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है हम कर रहे हैं। SDM साहब ने इनको कहा कि अगर पुलिस आप चाहते हो किसी और ब्रांच से अनुमति ले लें, पर वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए, तो कानून व्यवस्था को देखते हुए फिर उसके बाद ये फैसला लिया। लाठीचार्ज भी है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर जो नहीं हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, बाकी पुलिस अधिकारी आपको इसके बारे में विस्तृत बता पाए। इस केस के बारे में आपको बता दें कि पानीपत के गांव बिंझोल में बीते 22 दिन पहले गांव के 3 बच्चों का शव डाई हाउस के पीछे नाले में तैरते मिला था। इस मामले में परिजनों ने डाई हाउस के संचालक और उसके कामगारों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने अब केस में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों को न्याय दिलवाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन मासूमों को न्याय कब तक दिलवाती है, या फिर इन गांव के लोगों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ पानीपत से प्रदीप रेडू और शायना शर्मा की रिपोर्ट।